नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना यानी कि मुख्यमंत्री वृद्धा पेंशन योजना के फॉर्म को ऑनलाइन अप्लाई करके दिखाने वाला हूं। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखिए और समझिए कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना यानी कि मुख्यमंत्री वृद्धा पेंशन योजना के लिए फॉर्म कैसे अप्लाई किया जाता है। वीडियो शुरू करने से पहले आज फिर आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो अब शुरू करते हैं वीडियो। मुख्यमंत्री वृद्धा पेंशन योजना का फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आप लाभार्थी का एक फ़ोटो, आधार, उनका आधार कंसेंट फॉर्म, ईपिक कार्ड, आधार कार्ड और बैंक अकाउंट, ये सारे डॉक्यूमेंट्स का आप सबसे पहले स्कैन कर लेंगे। स्कैन करने के बाद इनको प्रॉपर तरीके से पहले सेट करके रख लेंगे। तो यहाँ पर हम इनका पिक्चर और इनका आधार कंसेंट फॉर्म, ये इनका ईपिक कार्ड और ये आधार हो गया और ये इनका बैंक अकाउंट है। तो यहाँ हम सबसे पहले फ़ोटो को 50 KB के अंदर क्रॉप करके रख लेते हैं। तो यहाँ पे हम फ़ोटो को क्रॉप कर लिए हैं और फ़ोटो का साइज भी 27 KB के आसपास आ गया है। तो अब हम ये चार जो ये डॉक्यूमेंट है, चारों डॉक्यूमेंट का साइज एक बार चेक करके इनको भी सेट कर लेंगे। अब ये चारों डॉक्यूमेंट, आधार कंसेंट फॉर्म, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट ईपिक और फ़ोटो, चारों का साइज प्रॉपर तरीके से सेट हो गया है। अब हम इन चारों डॉक्यूमेंट को PDF में कन्वर्ट कर लेंगे अपलोड करने के लिए। तो यहाँ पे हम कन्वर्ट एज PDF कर लेते हैं। तो यहाँ पे मेरा चारों डॉक्यूमेंट PDF में कन्वर्ट हो चुका है। बारी बारी से इसको हम सेव कर लेंगे उसी फोल्डर में जिसमें मैं फॉर्म को रखा हूँ। तो यहाँ पे मेरे जो भी डॉक्यूमेंट है, सारे डॉक्यूमेंट्स को मैं सही से सेट कर लिया हूँ। तो अब मुख्यमंत्री वृद्धा पेंशन योजना फॉर्म को भरने के लिए ब्राउज़र पे आ जाएंगे। ब्राउज़र पे आप यहाँ पे ssp.bihar.gov.in का ये होम पेज देख रहे हैं, यही वो वेबसाइट है जहाँ से आप मुख्यमंत्री वृद्धा पेंशन योजना के लिए फॉर्म को अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे फॉर्म को भरने के लिए सबसे पहले यहाँ पे रजिस्टर फॉर मुख्यमंत्री वृद्धा पेंशन योजना, ये जो शॉर्ट में लिखा हुआ है, इसी फॉर्म, इसी रजिस्टर वाले पे बटन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने ये अप्लाई का ये फॉर्म खुल जाएगा। तो इस फॉर्म को आपको भर लेनी है। तो यहाँ पे इस साइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में वैसे दे दूँगा। और वैसे आप इस साइट पर आने के लिए आप शॉर्ट में गूगल पे मुख्यमंत्री वृद्धा पेंशन योजना ऐसे ही लिख के आप सर्च करेंगे तो मुख्यमंत्री वृद्धा पेंशन योजना का जो साइट है ये यहाँ पर सबसे ऊपर आ जाएगा। तो इस साइट पे आप क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट अप्लाई वाले पेज पे आ जाएंगे। तो यहाँ फॉर्म अप्लाई करने के लिए डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट करेंगे, जो आधार के अनुसार आपका ज़िला है उस ज़िला को आप सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे ज़िला को सेलेक्ट करेंगे, फिर ब्लॉक को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद ये स्कीम तो वैसे ही रहेगा। फिर आप ईपिक नंबर, ईपिक में जो नाम है वो नाम, आधार नंबर, आधार में जो नाम है वो नाम और डेट ऑफ बर्थ, इतने सारे डिटेल्स सारे भरने के बाद आप यहाँ वैलिडेट आधार पे क्लिक करके आधार को वैलिडेट करेंगे। जब इनके आधार नंबर में जो नाम है वो नाम इनके डेट ऑफ बर्थ से मैच होगा तभी आप फॉर्म को भर सकते हैं, तब ये वैलिडेट होगा और ये प्रोसीड यानी प्रक्रिया शुरू करके ये जो बटन है वो अनेबल हो जाएगा। फिर आप इस बटन पर क्लिक करके फॉर्म को भरेंगे। तो यहाँ पर हम भर लेते हैं इस फॉर्म को, उसके बाद नेक्स्ट स्क्रीन में आपको दिखाएंगे आगे क्या फॉर्म खुलता है। तो यहाँ पर हम फटाफट से भर लेते हैं इस फॉर्म को। सारे डिटेल्स फिल करने के बाद आप यहां पे वैलिडेट आधार यानी आधार सत्यापन करेंगे। जब इनका सारा डिटेल्स यानी कि आधार नंबर, आधार में लिखा जो नाम है वो नाम अगर आप सही अगर टाइप करेंगे और उनका डेट ऑफ बर्थ अगर मैच हो जाएगा तो यहां पे आप नेक्स्ट प्रोसीड वाले बटन आपका अनेबल हो जाएगा और प्रोसीड वाले जो बटन है उस बटन पर क्लिक करके आवेदन की प्रक्रिया को आप शुरू कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट पेज में पूरा का पूरा फॉर्म खुल चुका है। तो इस फॉर्म में हम यहाँ पे कुछ जो यहाँ पे जो मैंडेटरी फील्ड है यहाँ पे स्टार मार्क का लगा हुआ है, हमें सिर्फ उसी फील्ड को अनिवार्य रूप से फिल करना है। तो यहाँ पे कुछ डिटेल्स जैसे कि मैंने पहले पेज में जो टाइप किया था वो पहले से ही भरा हुआ आएगा। तो यहाँ पे कुछ बेसिक डिटेल्स जैसे कि इनके फादर या हस्बैंड का नाम जो है वो यहाँ पर हम टाइप करेंगे, फिर इनका जेंडर, इनका DOB पहले वाले पेज में जो आप
भर के वैलिडेट किए रहेंगे वो यहाँ पे पहले से ही आ जाएगा। फिर इनकी कैटेगरी का आप सेलेक्ट करेंगे, कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद इनका फ़ोन नंबर। अब यहाँ पे हम एरिया को सेलेक्ट करेंगे, अगर ये ग्रामीण एरिया से है तो यहाँ पे हम रूरल को सेलेक्ट करेंगे, अगर ये शहरी एरिया से तो यहाँ अर्बन को सेलेक्ट करेंगे। फिर इनके पंचायत को आप सेलेक्ट करेंगे, जो भी इनका पंचायत है। पंचायत सेलेक्ट करने के बाद इनके रेवेन्यू विलेज जो भी है वो विलेज यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे वार्ड में मैंडेटरी फील नहीं है तो आप यहाँ पे वार्ड को स्किप कर सकते हैं, वार्ड अगर नहीं आ रहा है तो वार्ड को आप स्किप कर सकते हैं। फिर इनके एड्रेस को यहाँ पे टाइप करेंगे, जो भी इनका एड्रेस है। एड्रेस और पिन कोड भरने के बाद आप यहाँ आवेदक का बैंक विवरण में आवेदक के बैंक को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आवेदक के शाखा का नाम, फिर एफएससी कोड सेलेक्ट करने के बाद उनके बैंक अकाउंट को यहाँ पे भर लेंगे। फिर उसके बाद बैंक अकाउंट में इनका जो भी नाम है उस नाम को यहाँ पे भर लेंगे। इन सारे डिटेल्स भर लेने के बाद आवेदक का व्यक्तिगत विवरण, आवेदक का आवासीय पता विवरण, आवेदक का आधार और मतदाता विवरण और आवेदक का बैंक खाता विवरण, सारे डिटेल्स को एक बार चेक कर लेंगे। चेक कर लेने के बाद आवेदक का जो भी डॉक्यूमेंट्स और फ़ोटो आप स्कैन किए हुए थे उन सारे डॉक्यूमेंट्स और फ़ोटो को यहाँ पर हम अटैच कर लेंगे बारी बारी से। तो दोबारा से अच्छे से वेरीफाई कर लीजिए एक बार। वेरीफाई करने के बाद आई एग्री पे टिक करना है। टिक करने के बाद सबमिट एप्लीकेंट डिटेल पे क्लिक कर लेंगे। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं, डू यू वांट टू सक्सेसफुली सबमिटेड, एडिशन विल नॉट अलाउड आफ्टर सक्सेसफुली सबमिटेड, यानी सक्सेसफुली सबमिट होने के बाद एडिट नहीं होगा। तो यहाँ पे आप एक बार चेक कर लें। चेक कर लेने के बाद आप सबमिट एप्लीकेशन डिटेल्स पे क्लिक कर लें और उसके बाद यहाँ पे ओके कर लेंगे। ओके करने के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे सेव होके प्रीव्यू के लिए यहाँ पे आ गया है। तो यहाँ पे जो भी फॉर्म आपने भरा था उस फॉर्म को एक बार प्रीव्यू कर लेंगे। प्रीव्यू करने के बाद आप यहाँ पे फाइनल सबमिट कर सकते हैं। अगर प्रीव्यू करने के बाद अगर कहीं पे किसी फील्ड को अगर एडिट करना है तो आप यहाँ पे एडिट एप्लीकेशन पे क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। अगर आपके द्वारा भरा गया सारा डिटेल्स अगर सही है तो आप यहाँ पे फाइनल सबमिट पे क्लिक करके फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे फाइनल सबमिट करने के बाद आप देख सकते हैं कि बेनिफिशियरी आईडी यहाँ पे जनरेट हो चुका है और यहाँ पे बेनिफिशियरी का नाम आप देख सकते हैं, योर एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिटेड थ्रू ऑनलाइन एंड डेट एंड टाइम आप यहाँ पे देख सकते हैं। और ये पंचायत वेरिफिकेशन के लिए फॉरवर्ड हो चुका है। तो यहाँ पर हम ट्रैक प्रिंट रिसिप्ट पे क्लिक करके एप्लीकेंट के रिसिप्ट को हम यहाँ पर प्रिंट करके एप्लीकेंट को दे सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से आप मुख्यमंत्री वृद्धा पेंशन योजना के फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।